नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा का आज का धारावाहिक गुरु शिष्य को समर्पित था। गुरु शिष्य में जबरदस्त आज बहस हुई, बातचीत हुई, आर्गुमेंट हुआ, जिसमें कि ये समझ में आया कि गुरु अब अनुपमा को बर्बाद करने जा रही है। जैसा कि मालती देवी ने कहा कि मैं तुम्हें श्राप भी दे सकती हूँ, वगैरह वगैरह जो भी था आप सबने देखा, और उस पे आपकी प्रतिक्रिया भी आई, कुछ को अलग लगा, कुछ को बिल्कुल ही अलग लगा। तो क्या क्या कहा है आप लोगों ने, ये बताना मेरा काम है। तो चलिए बताती हूँ, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो नंबर भी शेयर कर देती हूँ जिस नंबर पे आपको अपने ऑडियो या फिर वीडियो भेजने हैं। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। चलिए सुनते हैं पहला ऑडियो। नमस्कार अंजू जी, बरखा शर्मा जयपुर से। आज का अनुपमा का रिव्यू देखा, कमिंग अप भी देखा। हमारे सबके हम सबके दिमाग में जो सवाल चल रहे हैं, जो सीरियल में भी है ना, शाह हाउस में, कपाड़िया हाउस में, अनुज वनराज, सबके दिमाग में एक ही सवाल है कि अनुपमा ऐसे वापस कैसे आई, क्यों आई, ऐसा क्या हुआ। तो आज अनुपमा ने उन सवालों का जवाब दिया, क्योंकि जब वो आई थी तो उस परिस्थिति में नहीं थी, लेकिन वो अपने कमरे में बैठी है और अनुज बात करता है और अनुज के पास बिलक बिलक के रो रही है। और उसने कहा कि मैंने अपने सपनों को नहीं, अपनी माँ को चुना, एक माँ को चुना जिस उस बेटी के लिए जिस बेटी को एक माँ की सख्त ज़रूरत थी। और किसी भी माँ, कोई भी माँ यही करती जो मैंने किया, तो मैंने कोई महान काम नहीं किया। लाइट चली जाती है, अनुज अनुपमा को लेके बाहर आता है और गुरु माँ की एंट्री दिखाई है हमको। और जैसा कि हमको पता था कि गुरु माँ जिस तरह से नाराज़ हैं, गुस्से में हैं, तो होना तो धमाका ही है। गुरु माँ आती है और अनुपमा पहले पैर छूती है, गले लगती है, गुरु माँ गले भी लगाती है, लेकिन फिर बाद में खींच के एक चाटा लगाती है अनुपमा को। अनुपमा को चाटा लगाया, इस बात का हम सबको दुख है, लेकिन गुरु माँ के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनको बहुत तकलीफ़ हुई है। और ये तकलीफ़ को अनुज ने भी समझाया और अनुपमा ने भी समझाया, क्योंकि जब अनुपमा अपनी सारी बात समझाती है अनुज को और बताती है कि मैंने ये फ़ैसला क्यों लिया, तब अनुज भी यही कहता है कि गुरु माँ को कितनी तकलीफ़ हुई होगी तुम्हारे इस फैसले से, उन्होंने तुम पर भरोसा किया था। और सच है, जब इंसान का भरोसा टूटता है तो उसे तकलीफ़ होती है। और जैसा कि बा ने भी कहा, घर में सब लोग बात कर रहे हैं गुरु माँ के बारे में कि गुरु माँ पता नहीं अब क्या करेगी, और बापूजी कहते हैं कि गुरु माँ समझेगी, लेकिन बा ये कहती है कि गुरु माँ नहीं समझेगी। क्योंकि जैसे हम परिवार वाले हैं, गृहस्थी वाले हैं, हम परिवार में अगर एक दूसरे को कुछ भी हो जाए तो हम उसको उसके आड़े खड़े हो जाएंगे, या हम उसको कुछ होने नहीं देंगे, हम उसकी ढाल बन जाएंगे। तो ऐसे ही गुरु माँ के लिए गुरु माँ की कला है, और गुरु माँ की कला के साथ अगर कुछ हो तो वो किसी कुछ नहीं देखेंगी, वो सब कुछ बर्बाद कर देगी। बा बिल्कुल सही है, और गुरु माँ अब यही चाहेगी, गुरु माँ अब यही करना चाहेगी कि वो अनुपमा को बर्बाद करना चाहेगी। क्यों? क्योंकि गुरु माँ ने खुद ने ये कहा कि ना, गुरु के आशीर्वाद में भी बहुत ताकत होती है, और गुरु अगर बर्बाद करने पे आ जाए या वो करने पे आ जाए तो उसमें भी बड़ी वो होती है। और ये बात सच है, और गुरु माँ ने अनुपमा को चाटा मारा, हमको बुरा लगा, हमको तकलीफ़ हुई, लेकिन ये बात भी सच है कि गुरु माँ भी सही है अपनी जगह से अगर उनकी तरफ से देखा जाए तो, क्योंकि उन्होंने भी अनुपमा में भरोसा किया था, विश्वास किया था, विश्वास करके उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी, और अनुपमा उस विश्वास पर खरी नहीं उतरी। अनुपमा ने हर बार गुरु माँ को यही आश्वस्त किया कि गुरु माँ मैं ना आपको निराश नहीं करूँगी, मैं आपको दिया हुआ वचन पूरा, गुरु माँ को वचन दिया था अनुपमा ने, और वो पूरा नहीं कर पाई अनुपमा। तो एक गुरु का शिष्य को अगर प्यार करते हैं, शिक्षा देते हैं, सब कुछ देते हैं, तो एक गुरु को शिष्य को पनिशमेंट देने का, उसको डांटने का, मारने का भी पूरा अधिकार है। लेकिन ये कि ये बात पनिशमेंट, और अनुपमा ने भी उनके पांव छूकर गुरु माँ से माफ़ी मांगी और यही कहा कि आप पूरी अधिकारी हैं, आप मुझे पूरी कोई भी सज़ा दीजिए, मैं आपके सज़ा की हकदार हूँ। अनुज वनराज को ऑब्जेक्शन हुआ तो ना अनुपमा ने टोक दिया कि ये मेरे और गुरु माँ के बीच की बात है, और सच भी है। लेकिन पनिशमेंट देना एक बात है और बर्बाद करना एक बात है। गुरु माँ ने ये कहा कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगी, और गुरु माँ ने ये भी कसम खाई कि अनुपमा को अपने रिश्तों से, अपनी ममता से, पैर में सब चीज़ों को राख कर दूंगी, तो ये गलत है, इस चीज़ से मैं सहमत नहीं हूँ। गुरु के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका नाराज़ होना, उनका गुस्सा होना, उनका अनुपमा को सज़ा देना, ये सब बातें समझ में आती है, वैलिड भी है,
लेकिन ये बात समझ में नहीं आती जो उन्होंने ये कही कि मैं अनुपमा को बर्बाद कर दूँगी, मैं उसके सारे रिश्तों को निश्तों नापूं तो उसकी ममता को। और आने वाले कमिंग अप में भी हमने यही देखा है कि गुरु माँ ये अनुपमा को बोलेगी कि क्या नाम से तुमको तुम्हारे सारे रिश्ते, तुम माँ हो, तुमको माँ, सिर्फ तुम माँ बन के रह गई, तुम सिर्फ माँ नज़र आया, तुम्हें तुमने जो मेरे प्रति जो किया था वो तुम्हें नज़र नहीं आया, और तुम्हारे माँ बनने की सज़ा मैं क्यों भुगतूँ, तुम्हारे माँ बनने की सज़ा मैं क्यों भुगतूँ। ये गुरुमा का शब्द थे। इसके आगे जो होगा वो भी हमको सुनने को मिलेगा बहुत कुछ, लेकिन यही वाली बात है कि गुरुमा सिर्फ इस वक्त गुरुमा की हैसियत से नहीं सोच रही, गुरु की हैसियत से नहीं सोच रही, इस वक्त वो एक बिजनेस वूमेन की हैसियत से सोच रही। गुरुमा का भी अब हमको, मैंने तो पहले ही कहा था कि एक बहुत बड़ा चेहरा रिवील अभी होना बाकी है जो अब हमको आगे आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा। और जैसा कि तोशु ने भी कहा कि माँ ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और लीगली वो कुछ भी एक्शन ले सकती हैं, तो वो सब तो होने ही वाला है और वो सब घटने ही वाला है, ये पक्की बात है, तो ये सच है। लेकिन बर्बाद करना किसी को ये कोई गुरु नहीं कर सकता। बीइंग ए गुरु, चाहे वो हमारे टीचर हो, चाहे वो हमारे कोई भी गुरु हो, गुरु का काम हमको सही रास्ता दिखाना होता है, गुरु का काम हमको डांटना होता है, हमारे को समय समय पर हमारे को पनिशमेंट देना भी होता है, लेकिन कोई भी गुरु अपने शिष्यों को कभी बर्बाद करने की नहीं सोचता, जैसा कि गुरु माँ ने कहा। तो गुरु माँ यहाँ ऐसे गुरु माँ नहीं ट्रीट कर रही, गुरु माँ यहाँ पे ऐसे है ना एक बिजनेस वूमेन की तरह ट्रीट कर रही है, क्योंकि उनको अनुपमा की वजह से बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा है, अनुपमा की वजह से उनको बहुत भारी नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई नहीं हो सकती है, इसलिए गुरु माँ ने अनुपमा को बर्बाद करने के लिए कहा, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे हिसाब से सही नहीं है। पनिशमेंट देना उसकी गलती पे वो करना बनता है, और अनुपमा ने भी ये बात सच है कि बहुत देर लगा दी डिसीजन लेने में, बहुत देर लगा दी फैसला करने में, शायद पहले कर लेती तो इतनी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन अब जो होगा, और ये हम अच्छे से जानते हैं कि अब जो भी कुछ होगा वो अनुपमा और अनुज साथ मिलकर फेस करेंगे, साथ मिलकर सारी चीज़ें करेंगे। और डिम्पी के तो हम क्या ही कहें डिम्पी के बारे में, डिम्पी जो है वो मतलब वो इतना बकवास करती है, वो इतना बकवास कर रही है और अनुज के सामने और सबके सामने ही कर रही है, लेकिन अनुज उसको कुछ नहीं कह रहा है। और डिम्पी ने तो बरखा को भी पीछे छोड़ दिया, और अब बरखा की इसलिए वो हुई कि मैंने जैसे कि पहले भी अपने ऑडियो में कहा था कि अब तक तो पाकी उनको भारी पड़ रही थी, तो अब अनुपमा और वापस लौट आई है, और अब तो अनुज अनुपमा एक हो गए हैं, तो उनका बॉन्ड और भी ज़्यादा मजबूत होगा। तो इस बार अनुपमा अनुज को अलग कर रहा तो बहुत दूर की बात है, इस बार अनुपमा अनुज सबको भारी पड़ने वाले हैं, और ख़ासकर डिम्पी को, बरखा को, और मालती देवी का मुकाबला भी दोनों मिलकर करेंगे। और जो गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है, जो अब तक हम कयास लगाते आ रहे हैं कि गुरु माँ का कोई ना कोई अनुपमा के साथ या अनुज के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है, वो सब भी बहुत जल्दी रिवील होने वाला है, क्योंकि अब जो चीज़ें आ रही है सामने तो ये सब चीज़ें बहुत जल्दी बाहर आने वाली है। लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। और अंजू मैम, मैं शायद ये कहना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों में कुछ शायद मैं अच्छे से बात कह नहीं पा रही हूँ अपनी, या प्रेजेंट नहीं कर पा रही हूँ, तो आप ज़रा बताइएगा, रोशनी डालिएगा इस पे कि मेरी बात मैं ढंग से कन्वे कर पा रही हूँ, या अपना ऑडियो ढंग से बना पा रही हूँ क्या। और अगर ऐसा मैं नहीं कर पा रही हूँ, अगर मैं असमर्थ हूँ या मेरी बात में वो नहीं है, तो आप मुझे प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिएगा, प्लीज़ क्लियर कीजिएगा। अगर ऐसा होगा तो मैं नहीं भेजा करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी बात ढंग से या तो प्रेजेंट नहीं कर पा रही हूँ, या अपनी बात ढंग से बोल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातों में आप भी कई बार कह देते हैं कि जैसे पिछली बार भी मैंने अपना ऑडियो भेजा तो आपने मुझसे कहा कि मैंने अपने वीडियो में ये सारी बातें कही हैं, आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो शायद मुझे लगता है क्योंकि मैं अपना ऑडियो अगर जल्दी बना के भेज देती तो आपके वीडियो सारे मैंने उसके बाद आते हैं, तो उसके बाद ही हमको वो चीज़ें सुनना पड़ता, मेरे तो सवाल जवाब मैं पहले ही कर जाती हूँ, तो आपके वीडियो तो बाद में मिल आते हैं तो बाद में ही सुनने पाते, तो मेरे सवाल जवाब तो पहले ही हो जाते, तो मेरा ऑडियो भी उसी तरह का होता है क्योंकि। तो आप मुझे बता दीजिएगा कि मैं सही से कह पा रही हूँ, नहीं कह पा रही हूँ, सही से अपनी बात प्रेजेंट कर पा रही हूँ, रख पा रही हूँ, मेरा बोलना या मेरा कहना में कुछ गलती हो रही है, या मेरा बोलना सुनना अच्छा नहीं हो पा रहा है, या नहीं कह पा रही हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। आज मैंने जो कुछ कहा उससे भी आप कितने सहमत हैं ये भी मुझे बताइएगा, अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं कोशिश करूँगी कि या तो मतलब अपनी बात नहीं कह पा रही हूँ ठीक से, तो फिर मैं नहीं भेजा करूँगी, तो आप मुझे बता दीजिएगा ना मेरे को एक बार, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दिनों में शायद मैं अपनी बात ठीक से रख नहीं पा रही हूँ, और अगर मैं अपनी बात रखती हूँ तो वो ठीक से शायद आप तक नहीं पहुँच पाती, या आप लोगों तक नहीं कह पाती हूँ, तो प्लीज़ मुझ पर रोशनी डालिएगा। और ये मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, और मेरे सब सखियों से भी कहना चाहूँगी, तो प्लीज़ इस पर रोशनी डालिएगा, अगर ऐसा कुछ भी है तो मैं उस पर ध्यान रखूँगी, तो मुझे बताइएगा ज़रूर।
थैंक यू सो मच अंजू मैम, थैंक यू सो मच। बरखा जी, ये मुझे समझ में आया नहीं जो आपने एंड में कहा। खैर, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ जितना मैं समझी हूँ उसके ऊपर बोलने के लिए कि आपके ऑडियो की मैं हमेशा ही तारीफ करती हूँ और हमेशा कहती हूँ कि आप अच्छा बोलती हैं, अच्छा भेजती हैं और अच्छे तरीके से भेजती हैं। आपके ऑडियो में कभी प्रॉब्लम नहीं आती है, पहले भी मैं बोल चुकी हूँ, तो अब और क्या बोलूं, मुझे ये नहीं समझ में आता। कि दूसरी चीज जो आपने कही है कि अब मैंने कहा कि वो वीडियो देख लीजिए, आपने कुछ पूछा था उसके जवाब में, तो वो मैंने इसलिए कहा कि वीडियो में मैं 7-8-9 मिनट जो भी है मैं उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपनी तरफ से जितना मैंने अंडरस्टैंड किया है। अगर यहाँ भी मैं उतना ही टाइम लूंगी तो वो रिपीट हो जाएगा, तो रिपीट करके आप तो सुन लेंगे क्योंकि आपने वो वीडियो नहीं देखा है, मगर जिन्होंने देखा होता है वो बोर हो जाएंगे। तो ये आप सबके लिए प्लेटफॉर्म है, जितने भी दर्शक इस वीडियो को देखते हैं या फिर हंग्री स्पिरिट्स चैनल को देखते हैं, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि ऐसा कुछ भी अपने मन में भाव मत लाइए कि मैंने ऐसा कहा इसलिए कहा कि मैंने एक्सप्लेन नहीं करना था। मैं बिल्कुल जहां पे लगता है एक्सप्लेन करती हूँ और ये आप लोगों का प्लेटफॉर्म है। मैंने तो खुद आप लोगों का ऑडियो बैक टू बैक डालना शुरू कर दिया था ताकि सबके ऑडियोज आए और मुझे बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म है। आप लोगों ने कहा मैं फिर से आगे बीच में बोलने के लिए, तो ये तो है ही। तो बाकी आप बिल्कुल दिल पे मत लीजिए। बाकी बिजनेस वुमन वाली बात आपने शो को लेके बोली है, जो मालती देवी को लेके, तो बिजनेस वुमन वो लगी ही नहीं मुझे। अगर बिजनेस वुमन होती, जैसा मैंने कहा है कि मालती देवी खुद इवेंट करती, अपना नुकसान नहीं होने देती, अपना बिजनेस लॉस में नहीं जाने देती, अपने रेपुटेशन लॉस में नहीं जाने देती, सिर्फ अनुपमा के लिए जो अभी 1.5 महीने ही उसकी शिष्य बनी है। तो बिजनेस वुमन नहीं है, उसका एजेंडा कुछ अलग है। तो यही कहना चाहती हूँ आपकी ऑडियो के बाद। बाकी भेजना ना भेजना सबके लिए है, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है। इसमें मैं आपको नहीं कह सकती भेजिए, मैं आपको नहीं कह सकती ना भेजिए। मैं सबके लिए बोलती हूँ कि अगर आपको अपना ऑडियो वीडियो भेजना है तो आप इस नंबर पे भेजिए। तो थैंक यू सो मच बरखा आपके ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी, आज का एपिसोड देखा और आपका रिव्यू भी सुना। सच कहा कि आज अनुज बाल बाल बचा। अगर अनुज की वजह से अनुपमा नहीं जा पाती तो आपने सही कहा कि सह परिवार वाले सबके सब अनुपमा पे चढ़ जाते। यहाँ तक कि मैं तो ये भी कहूँगी कि कांता माँ भी वही बोलती कि तुमने मेरी बेटी के सपने तोड़े, अच्छा हुआ कि उसने नहीं बताया। आज भी तो माँ बोल रही है ना, कहीं तूने तो फोन करके नहीं बता दिया अनुपमा को। तब अंकुश कहता है कि हम तो बताना चाहते थे लेकिन अनुज ने हमें नहीं बताने दिया, अच्छा हुआ अनुज ने फोन नहीं किया। और आज मालती देवी को भी बराबर जवाब दिया अनुपमा ने कि अनुज ने मुझे कुछ नहीं बताया, ये मेरी खुद का फैसला है कि मैं अब एक माँ हूँ, इसलिए ये मेरा फैसला था कि मैं अमेरिका नहीं जाऊँगी। और दूसरी बात भी है कि माया, और उसके बाद ही एपिसोड ख़त्म होता है और वो चुपरी केप का ही भाग है वो, तो अनुज भी थोड़ा शौक होता है। लेकिन सही कहा आज आपने कि अनुज तो बच गए आज। मैंने अपना आगे के वीडियो में भी बताया था अंजू जी कि अच्छा हुआ कि अनुज ने फ़ोन नहीं किया, और जब हमें ये प्रोमो दिखा रहे थे तब भी अनुपमा ने जो कहा था कि मैं अपने सपने को छोड़ सकती हूँ लेकिन अपनी बेबली के बिना नहीं रह सकती, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। क्योंकि अगर अनुज की वजह से रह जाती, जिस तरह पहले वनराज की वजह से उसे उसके सपने अधूरे रह गए, उसी तरह से इस बार सबके सब सहपरिवार के अजोशी परिवार भी अनुज के ऊपर ही चढ़ जाते। कोई अनुज का दुख नहीं देख रहा है, उस बच्ची की तड़प नहीं देखी किसी ने, लेकिन अनुज ने देखने के बाद भी अनुपमा को फ़ोन नहीं किया क्योंकि वो जानता था, और उसने खुद ने सोच कहा भी था अनुपमा को कि मत आना, जब वो आना चाहती थी एक दिन उसके पास था तो तब कहा था कि जिस तरह सहपरिवार ने हर बार तुम्हारी कुर्बानी मांगी है वैसा मैं नहीं कर सकता। और ये कौन सी गुरु माँ है, और गुरु माँ वो कौन से सत्य वाली गुरु माँ है, कौन सा उन्होंने तप किया हुआ है जो उसका श्राप लगेगा। श्राप भी कब लगता है, अगर वो शिष्य गलती करे तो। इनका खुद का भी परिवार होगा तो इन्होंने कला को आगे रखा, वो सोचती अनुपमा भी वैसा करेगी, लेकिन अनुपमा वो है ही नहीं,
उसका वो कैरेक्टर ही नहीं है, उसके मन में आज भी ममता और माया दोनों है। क्योंकि वो सच कहा, मैं एक माँ हूँ। अगर वो चली भी जाती, समझो यूएस, जैसे वो अनुपमा ने कहा कि मैं अगर चली भी जाती और वहाँ फोटो खिंचवाती, इवेंट करती, लेकिन यहाँ पीछे मेरी बच्ची मेरे लिए तड़पती, तो वो खुशी भी मेरे लिए कोई खुशी नहीं होती। आज वनराज भी बोला, जब मालती देवी ने बदतमीजी की अनुपमा से, तब वो भी बोला, अनुज भी बोला, जब उसे अनुपमा को थप्पड़ मारा तब भी बोला कि मालती देवी आप कुछ भी हो, लेकिन आपको मेरी पत्नी को मारने का कोई हक नहीं है। उसके बाद भी जब बेइज्जती की, तब भी वनराज भी बोला आपको ऐसा कोई अधिकार नहीं। और माँ ने तो बहुत अच्छा कहा कि ये मारने मारने वाली होती कौन है गुरु माँ, तो गुरु माँ अपने तक सीमित रहे। लेकिन गुरु और माँ ये शब्द बहुत बड़े होते, जो आज गुरु माँ ने उसे गलत साबित किया है। गुरु अपने शिष्य के बारे में सोचता है, अगर हाँ जैसा आपने कहा कि उसे नहीं सीखना है, तो वो उसे फोर्स नहीं करता, अपनी मर्जी से जाना चाहता है तो उसे जाने देता है, उसे कोई जबरदस्ती नहीं रोकता है, ना ही उसे श्राप दे देता है। ये उनका गुस्सा कोई और ही बात है जिसका वो बदला लेना चाहती है। अच्छा हुआ अगर अब मेरे अनुपमा अमेरिका नहीं गई, अगर वही, वरना मालती देवी पता नहीं क्या करती अनुपमा के साथ। जैसे कल भी मैंने कहा था कि वो तो सारे रिश्तों को ही तोड़ने की बातें कर रही है। उसने सही कहा अनुपमा ने कि मैं जानती हूँ आपने मुझसे जो कहा था पहले दिन से, मुझे सब पता है कि अगर परिवार की बेड़ियाँ तोड़ोगी तो ही इस फॉर्म पे साइन करना, वरना बाहर का रास्ता देख लो। हो सकता है, और भाई यही तो है, सही तो बात है ना। अनुपमा को कौन पहचानता है, वो उतनी बड़ी सेलिब्रिटी तो है ही नहीं कि उसके ना जाने से इवेंट खराब हो जाएगा या उनका नुकसान हो जाएगा। अगर पैसों का हुआ भी है तो वो तो अनुज भी दे सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा वो ट्रिगर पॉइंट पे अनुज को रख रही है कि इसी की वजह से तुम पीछे हटी। बहुत अच्छा जवाब दिया अनुपमा ने भी कि मैं माँ हूँ, मैं अपने बच्चों की देवकी माँ हूँ, तो मेरी छोटी के लिए उसकी यशोदा माँ हूँ। और मैं चली भी जाती, लेकिन मैं उस माँ से भी नज़रें नहीं मिला पाती, मैं खुद से भी नज़रें नहीं मिला पाती, और मैंने आज शिष्य और माँ में से माँ को चुना। मानती हूँ कि मैंने आपका दिल दुखाया, आपको दर्द दिया, लेकिन मैं माँ होना नहीं छोड़ सकती। बिल्कुल सही कहा अनुपमा ने। अब तो कल पता चलेगा कि क्या हुआ, क्योंकि छोटी भी मुंबई कैसे पहुंची वो भी सस्पेंस है, और अनुपमा छोटी के पास कैसे पहुंची वो भी अभी तक हमें नहीं पता। शायद कल के एपिसोड में पता चल जाए अंजू जी। लेकिन आज का सच में एपिसोड बहुत अच्छा था, और मुझे तो अनुपमा ने जो कुछ एक एक बात जो गुरु माँ से कही है, सच में वो बहुत ही अच्छी लगी कि आप भी माँ हो। मैं जानती हूँ, मैं आपको वो भी 1-1.5 महीने में गुरु माँ को पहचान चुकी कि वो भी माँ है, लेकिन शायद आपके बच्चे अभी आपसे दूर है, या कुछ भी हुआ होगा आपके साथ। लेकिन ये तो सच ही बात है कि अनुपमा ने भी गुरु माँ को सही तरीके से पहचाना है कि मेरे पैर में चोट लगी थी तब मैंने आपका रोना भी देखा था, आपकी तड़प भी देखी थी, इसलिए मैं भी जानती हूँ कि आप भी एक माँ है। चाहे कारण कोई भी हो वो मुझे नहीं पता। आज उसने अनुज से भी बहुत अच्छे से बातें की, तब अनुज भी उसे संभाल रहा है, बता रहा है, लेकिन फिर भी उसे दुख है। लेकिन सच कहा, ये कौन सी गुरु माँ, बात तो कुछ और ही है। क्योंकि पैसे के लिए अगर गुरु माँ ऐसी होती तो ना तो उन्हें पैसों का है, और ना ही, ठीक है वो बर्बाद भी हुई, खुद के लिए भी है, फिर भी गुरु माँ इतना तिल मिला रही है, बात तो कुछ और ही है। अब पता चलेगा क्या बात है, लेकिन वो उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है, वो सीधा सीधा अनुज को ही बोल रही है कि इसी ने तुम्हें फोन किया होगा, और इसी ने तुम्हें अपनी बेटी की वजह से रोका होगा। अरे गुरु माँ, अगर अनुज को रोकना होता ना तो बहुत पहले रोक सकता था,
जब उसकी बच्ची इतने तड़प रही थी, पैनिक अटैक एक के बाद एक शुरू थे, उस बच्ची को नींद की इंजेक्शन दिए जाते थे जो उसके लिए भी हानिकारक थे, एक छोटी बच्ची के लिए। अगर वो चाहता तो उसी टाइम अनुपमा को बुला देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसीलिए अनुपमा जानती है कि अनुज क्या है और अनुज कैसे है, इसलिए तो वो सामने से आज 52 राज सभी के सभी बोल रहे हैं। तब अनुपमा कहती कि मेरे और मेरे गुरु के बीच की बात है, तो मैं और मेरे गुरु देख लेंगे, आप कोई भी नहीं बोलेंगे। तब अनुज भी कहता है लेकिन अनु, तो वो अनुपमा अनुज को भी ना बोल देती है, तो फिर वो भी कुछ नहीं कहता। वो एक पति अपनी पत्नी की बेइज्जती कैसे बर्दाश्त करेगा, आज तक कभी नहीं किया तो अब भी नहीं करेगा। वो अनुपमा को कोई कुछ बोल भी दे तो भी वो सुन नहीं पाता, तो वो आज तो गुरुमा ने अनुपमा को थप्पड़ मार दिया। कल देखते हैं अंजू जी क्या दिखाते हैं। लेकिन सच में आज का एपिसोड बहुत अच्छा था, और अनुपमा की एक एक बात, एक एक पॉइंट सच में बहुत अच्छे थे। और एक बात और है अंजू जी, जो मैं कहना चाहती हूँ कि आज भी अनुपमा ने जो कुछ भी कहा उसके ऊपर सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ अनुपमा को गलती बोलते हैं। ये महानता की देवी है, ये अपना ही भाषण देती रहेगी, ये गई क्यों नहीं? जैसे आपने कल बताया, कुछ लोग कहते हैं गई क्यों नहीं, कुछ लोग कहते हैं अगर चली जाती तो, ये भी कहते कि एक माँ होके वो चली गई, अपनी बच्ची को नहीं देखा, और आज बच्ची के लिए वापस आई तब भी बोलेंगे कि अब क्यों आई, अब तक तो तुमने छोटी छोटी नहीं किया और अब कैसे छोटी छोटी कर रही हो। इसलिए लोगों का मुंह तो कभी बंद नहीं कर सकते। लेकिन सच में अंजू जी, आज का एपिसोड सच में बहुत ही अच्छा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और आपका रिव्यू भी सच में अच्छा था कि अनुज बच गए और अनुपमा भी अनुज की इंसल्ट होने नहीं दे सकती। आज तक किसी ने भी अगर अनुपमा अनुज पे उंगली उठाई है तो सबसे पहले वही ढाल बनकर खड़ी रही है, सबको चुप उसी ने करवाया, चाहे वो सह परिवार हो, सिर्फ और सिर्फ कांता माँ को ही नहीं वो बोल पाई। लेकिन फिर भी जब उसे बोलना होता है तो वो बराबर बोलती है, लेकिन अनुज के खिलाफ किसी को भी नहीं बोलने देती। चलिए कल क्या दिखाते अंजू जी, देखते हैं। लेकिन सच में आज आपका रिव्यू बहुत अच्छा था। और एक बात और पूछना चाहती हूँ अंजू जी आपसे कि आप कभी कभार जो लेट रिव्यू देती है, जैसे 3 या 3:30 बजे, फिर उसके ऊपर तो कुछ अब हम बोल ही नहीं पाते। जैसे कल भी बहुत ही लेट आया, शायद छुट्टी की वजह से लेट आया, लेकिन मैंने तो 2 रिव्यू सुने और आपको ऑडियो भेज दिया। उसके बाद आपने आखिरी का भेजा था कि अनुज इज बैक, अब अनुज अपने पहले वाले अवतार में आ जाएगा। वो भी आपका ऑडियो बहुत अच्छा था, लेकिन वो मैंने बहुत बाद में सुना, क्योंकि मैं 3 बजे तक तो राह ही देख रही थी, लेकिन आपका आया नहीं था। इस पे थोड़ी सी रोशनी दीजिएगा अंजू जी, अगर बुरा लगे तो माफ कर दीजिएगा, छोटी बहन समझिए। थैंक यू सो मच, और मेरी सारी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मानसून को एंजॉय कीजिए, लेकिन अपनी सेहत भी संभालिए। थैंक यू सो मच अंजू जी, और आप भी अपनी सेहत का ध्यान रखिए अंजू जी। थैंक यू, थैंक यू सो मच ख्याति जी, बहुत अच्छा ऑडियो था आपका। और लास्ट पोर्शन के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप मेरे व्यू की वेट मत कीजिए, आप अपने व्यू को भेजिए, जो भी आप अनुपमा धारावाहिक की देख के महसूस करती हैं सुबह भेजिए, 3 बजे से पहले किसी भी वक्त भेज दीजिए, मेरे वीडियो देख के भेजना वो भी ओके है, मगर उसकी वेट करके भेजने की वो मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें और भी होती हैं जिनको मैनेज करना पड़ता है, कभी वीडियो लेट होता है, कभी वीडियो जल्दी आ जाता है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक सेट टाइम पे वीडियो को डाल दें, मगर अभी कोशिश कर रहे हैं, मगर आपसे यही है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए है, आपके रिव्यूज के लिए है, मेरे रिव्यूज के लिए नहीं है। तो आप अपने रिव्यू को जैसे ही आप अनुपमा धारावाहिक देखते हो वैसे ही भेज दें, अगर मेरा वीडियो देखने को मिल गया बीच में तो वो भी सुन लीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं है, बट उसमें वेट करके फिर आप भेजे तो वो समस्या हो सकती है, क्योंकि मेरा वीडियो तो कभी कभी 4:30-5 बजे भी आता है।
तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, बाकी सब ठीक है, आपका ऑडियो अच्छा है, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को प्यार भरा नमस्कार। आज का एपिसोड देखा, गुरु माँ और शिष्या के बीच का संवाद आज बहुत अच्छा लगा। गुरु माँ अनुपमा का फ़ोन नहीं उठा रही हैं। गुरु माँ बहुत नाराज़ हैं अनुपमा से। अनुपमा ने माँ और शिष्या में माँ को चुना सही किया, उसको माया की मौत का बहुत गिल्ट है। अनुपमा माया के लिए ही लौटी है, पर अनुपमा को गुरु माँ को कैसे समझाएं कि ये चिंता सता रही है। नकुल भी परेशान है, गुरु माँ फ़ोन नहीं उठा रही हैं। गुरु माँ का आशीर्वाद ऊपर तो श्राप उससे भी ऊपर, ऐसी है गुरु माँ। बा ने सही कहा, लगता है तूफान आने वाला है। तो गुरु माँ से बड़ा तूफान इस समय कौन हो सकता है? भला बलराज को चैन नहीं पड़ा तो पूछ लिया, अनुपमा तुम वापस कैसे आ गई? जो प्रश्न अनुज ने भी नहीं किया वो वनराज कैसे पूछ सकता है? अनुपमा बताने ही वाली थी कि गुरु माँ का प्रस्थान हो गया। गुरु और शिष्या आमने सामने। तुरंत अनुपमा ने गुरु माँ के पैर छूकर माफ़ी मांगी। गुरु माँ के पैरों से खून निकल रहा था, वो नंगे पांव आई थी। ये क्या, गुरु माँ ने उसे प्यार से ऊपर उठाया, गले लगाया और दो झापड़ मारे। समझ नहीं आया क्या हो गया। एक पल के लिए लगा कि गुरु माँ के अंदर की ममता जाग गई, पर दूसरे ही पल दूसरा रूप। बीच में अनुज बोले भी, पर अनुपमा ने मना कर दिया। मालती देवी ने एक ही पल में गुरु और माँ दोनों ही रिश्ते खत्म कर दिए। अब प्रेम खत्म और थप्पड़ से नफरत की शुरुआत। गुरु माँ ने कितनी बड़ी बात कह दी कि अभी तक श्रद्धा से मेरे पैर छूती थी, पर अब मैं अपनी शक्ति से अपने पैरों पर गिराऊंगी, ये मेरा वादा है। वाह रे गुरु माँ, ये कैसी गुरु माँ है। अनुज, वनराज, बा तीनों एक सुर में अनुपमा की तरफ से बोले, पर अनुपमा ने सबको मना कर दिया कि मेरे और गुरु माँ के बीच की बात है, कोई भी नहीं बोलेगा। मुझे हर सजा स्वीकार, पर एक मौका मेरी बात सुनने के लिए। सही बोला अनुपमा ने, गुरु माँ भी जाने कि क्या हुआ, क्यों हुआ, क्यों किया अनुपमा ने ऐसा। मैं तो हर परिभाषा से माँ हूँ। बहुत बहुत अच्छा लगा ये शब्द सच में अनुपमा के मुँह से। शिष्या ने गलत किया पर माँ ने नहीं किया। शिष्या के मन में पछतावा है पर माँ के मन में गर्व है। बहुत बड़ी बात कह दी अनुपमा ने। अनुपमा की बातों में गुरु माँ के हृदय को प्रभावित भी कर रही थी। माँ के प्राण निकल सकते हैं पर आखिरी सांस तक ममता नहीं निकल सकती। सही है, अनुपमा ने गुरु माँ की दुखती रख पर हाथ रख दिया, ये कहकर कि आप भी एक माँ हैं, बस आपका बच्चा आपके सामने नहीं है। ये बात कहकर गुरु माँ की आत्मा को झकझोर कर रख दिया अनुपमा ने। मैंने महसूस किया है गुरु माँ, आपके अंदर प्यार ममता है। अब क्या करोगी गुरु माँ, आपके अंदर की ममता को जगा दिया अनुपमा ने आज। और तालियों की गड़गड़ाहट सुनने के लिए अपनी बेटी की चीखें सुनना बंद कर दूं क्या? बहुत सही बोला अनुपमा ने। अपने सपनों की, अपनी खुशियों की इतनी बड़ी कीमत नहीं दे सकती गुरु माँ। सही भी है, एक माँ ऐसा कर भी नहीं सकती। प्री कैप में देखा, गुरु माँ कह रही हैं कि अनुपमा तुम्हारी माँ होने की सजा मैं क्यों भुगतूँ। अनुज पर ब्लेम कर रही हैं कि ज़रूर इसी ने फ़ोन किया होगा। तो गुरु माँ, तो बीच में अनुपमा आकर कह रही है कि मैं अपनी मर्जी से अपनी बेटी के लिए आई हूँ और मेरे आने की एक वजह और भी है और वो है महिमा, वो है माया। और महिमा जी, आप इतना परेशान मत हुआ करिए, सीरियल को सीरियल की तरह एंजॉय करिए, बस दिल पर मत लीजिए इसको, नहीं तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। और सीरियल इस समय बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे चल रहा है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी, आपके ऑडियो के लिए, बहुत ही प्यारा और क्लियर ऑडियो था, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजी जी, आपको और मेरी सारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते।
हाँ अंजू जी, आपने कल कहा था कि सबसे पहले कुमुदिनी जी का ऑडियो दिखाने का रीजन, तो हाँ सही है, आप बहुत अच्छा सोचा आपने, और बहुत अच्छा कि कुमुदिनी जी का सच में बहुत अच्छा होता है, वो शो को बहुत अच्छे तरीके से समझा के बताती है, और साथ में अपने विचार भी क्यों नहीं क्या अच्छा लगा उसमें और क्या अच्छा नहीं लगा, और वो अपन बताती भी अपने खुद के भी विचार उस पर रखती, तो सच में बहुत अच्छा ही होता और हमेशा बहुत ही क्लियरिटी के साथ होता है, और वो बहुत जरूर अच्छा लगता है कि शो में सबसे पहले उनका दिखाते हैं, तो जब हम बाकी लोगों के ऑडियो सुनते हैं तो वो जो लोग नहीं देखते हैं या फिर हम लोग भी कभी एक बार ही एक बार देखते हैं, तो वो उस समय पूरा तुरंत याद रहता है, और वो बाकी के लोग जब भी कुछ बोलते हैं तो वो बात को समझने में और ये कहने में भी समझ में बहुत अच्छा लगता है वो, तो सच में मुझे भी शुरू से वो बहुत पसंद आया, और आपने भी कहा तो बहुत ही अच्छा लगा, तो थैंक यू अंजू जी इसके लिए। और शो के बारे में बोलूँगी कि आज जो शो देखा तो ठीक ठीक लगा, अच्छा लगा, मैं नहीं कहूँगी कि बुरा था, आज अनुपमा की बातें बहुत अच्छी थी, 16 आने सच थी, बहुत अच्छे तरीके से अनुपमा को अपनी बात बोलना कहता कहना आता है, 5 पन्नों का 5 पन्ना लगता जरूर है, हमारे कॉमेडी के लिए अच्छा लगता है वो, पर वो सही में बहुत अच्छा बोली, और लग रहा था कुछ समय के लिए कि शायद अभी मालती देवी माफ़ कर देगी, तो अनुपमा जो माँ के लिए बोलती है और जब कहती कि खुद के बेटे बेटे के बारे में, तो वो अनुज का चेहरा दिखाते हैं, तो पता नहीं क्या रिश्ता है इनका अनुज के साथ, माँ बेटे का होता तो मालती देवी ऐसा अनुज के लिए क्यों करती और क्यों उसे इतना गलत बोलती, और शुरू से ही नहीं चाहती अनुपमा मालती देवी अनुज को अच्छा, क्योंकि वो बोलती है कि पहले दिन से ही कहती है कि अपने पति से पूछा, अनुज कपाड़िया तुम्हारा पति है, वो आए बराबर कहती है, उससे अपने पति से पूछ लो कि तुम जाना चाहे तुम 3 3 साल के लिए जाओगी तो उसे पसंद है या नहीं, तब भी वो बोलती है, उसके बाद शादी में भी कहती है कि तुम्हारा ये रास्ते का पत्थर बनेगा, फोन पे भी बोलती है, और जो अनुज सुन लेता है तो वो अनुज के लिए बहुत बड़ा होते बात होती है, और उसी में वो थोड़ा सा और उसे बहुत बुरा लगता है उनका सुनना कि मेरे लिए ये सब बोला जा रहा है, जबकि वो बेचारा चाहता ही नहीं, हालत बदल गए थे, अगर उस हालत में वो कह भी देता ना मैम तो कोई गलत नहीं था, पर ये सब बातें सुन के उस पर और भारी होता, और वनराज की भी बातें सुनी थी, वनराज भी चाहता था कि कहीं अभी किसी के लिए भी नहीं रुकना किसी के लिए, जो कि वो टाइम नहीं था बोलने का, तो फिर भी बेचारा बहुत अपने आप को संभाल रहा था, तो वो बहुत बुरा लग रहा था वो सब उसके लिए कि अनुज ने नहीं अनुपमा को रोकना चाहिए, मैंने अपने ऑडियो में कहा था कि अनुज ने कॉल ही नहीं करना चाहिए अनुपमा को कि रुक जाओ अनुपमा छोटी के लिए मेरे लिए, पर अच्छा हुआ वो मैंने कहा था कि नहीं रुकना चाहिए, बस इसी वजह से कहा था कि वो उसको ही इल्ज़ाम दिया जाता, सब लोग कांता बहन की भी बातें सुन के लगता था कि कांता बहन भी छोटी को ये करेगी कि छोटी की वजह से कहीं मेरी बेटी की उड़ान ना रुक जाए, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था अनुज को, कोई भी उस समय कोई भी अनुज के बारे में सोच ही नहीं रहा था, अनुज का दर्द अनुज की तकलीफ, और ना ही छोटी के लिए कोई सोच रहा था, ना ही अनुपमा के लिए भी नहीं सोच रहा था, सब सपनों की बातें करते थे, तो उस समय जो मुझे लगा था इसलिए मैंने आज वो बात अच्छा लगा कि अनुज ने नहीं किया कॉल, बच गया, आपने जो अभी कहा कि बाल बाल बचा अनुज तो सही बात है, और आज मालती देवी से जितनी भी अनुपमा ने बातें की सच में बहुत अच्छा लगा कि एक माँ को नहीं कर सकती, और मैंने भी कहा था कल भी कहा था कि अनुपमा अगर चली जाती तो क्या, अनुपमा चली जाती तो सच में क्या वो शो कर सकती थी क्या, नहीं कर सकती थी, कल भी कहा था और आज भी कहती हूँ कि उसने तो आज क्लियर साबित ही कर दिया अनुपमा ने कि वो वहाँ पे नहीं रह पाती नहीं सुन पाती, तो सही कहा उन्होंने कि एक ताली की आवाज़ के सामने अपने बच्ची को की रोना की आवाज़ उसकी चीखे क्या अनुपमा सुनना बंद कर देगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता था, वहाँ जाती ना तो भी मालती देवी के साथ अनुपमा खुशी नहीं रहती, और वो वहाँ पे भी उसका इवेंट खराब ही होना था, वो डांस भी कर पाती नहीं, उसको बार बार अपनी बच्ची दिखती थी, ये सब होता था अनुपमा के साथ, तो अनुपमा का डिसीजन बिल्कुल सही लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा अनुपमा लौट के आई तो, और ये भी था, और आने वाले एपिसोड में दिखाएंगे अभी देखते क्या होगा कि अनुपमा मालती देवी ने फिर से कहते हैं अनुज पे इल्ज़ाम लगा दिया कि इसी ने तुझे ये किया होगा, तो अनुपमा आई बीच में, तो आपने जो आज कल कहा था कि
अनुज लौट के आ गया। वाप अनुज फिर से वो अनुज आ गया अनुपमा की ढाल बनने के लिए। तो हाँ ऐसा होना चाहिए मैम, सच में होना चाहिए। हम दोनों को काफी दिनों से हम लोग सभी लोग अनुज अनुपमा की जोड़ी को मिस कर रहे थे और वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे के लिए खड़े रहे। सच में बहुत अच्छा लगता है। कुछ दिन के लिए अभी शाह उसको भी समझना होगा इस बात को कि वो अनुपमा के पीछे ऐसे न लगे, यही समझे कि आपकी अनुपमा अमेरिका गई है। ऐसा सोच के जैसे अमेरिका जाती तो कोई आपके पास ये नहीं होता। तो ये होना चाहिए, जीने दो यार, इन दोनों को भी जीने दो, छोटी के साथ उनको अपनी भी लाइफ जीने दो। बहुत हो गया अभी माया, अभी भी है मुसीबत, अभी मालती देवी का सच सामने आने का है, पर वो दोनों को करने दो, हैंडल कर लेंगे। आपको मदद करना होगा तो आप इस टाइप से करो, पर अनुपमा को बुलाओ मत अपने घर में। हाँ करना चाहते हो आप अनुपमा की मदद, अनुज की मदद तो करिए, बाकी लोगों के को भी देखो अपनी तरफ, अपनी बेटी की तरफ, उसकी तरफ देखो, उसके उसके अंदर का दर्द समझो, वो भी बहुत जरूरी है। और मालती देवी का जो है अनुज के साथ, आपने कहा भी कि कोई कनेक्शन जरूर कुछ तो है, या तो आपने जो बताया पिछली बार कहानी, तो वो भी हो सकती है वजह, पर पता नहीं वो भी सही है कितना तक सही है पता नहीं। पर आपने जो कहा तो लग रहा था मैं वो कि ऐसा कुछ होगा, पर अब तक कुछ दिखाया नहीं मालती देवी का उस बारे में। अगर होता तो शायद, पर मुझे लगता है कि वो अनुज के साथ कोई कनेक्शन, और आपने कहा कि बेटे का, तो अभी मैंने एक ऐसे कल देखा था कि एक ऐसा बता रहे थे कि अनुज मालती देवी का सौतेला बेटा जीके के साथ कोई उसका उनका रिलेशन है। तो पता नहीं ये सच है या नहीं, क्योंकि मैं इन बात ये छोड़, ये ऐसी टाइप की जो बातें होती ना मैं उसको सच नहीं मानती, क्योंकि बहुत कुछ दिखाते हैं जो सच नहीं होता है। मैं सिर्फ वो जो प्रोमो दिखाते हैं छोटा सा वीडियो और उनके डायलॉग बोलते हुए दिखाते हैं, तो ही मैं उस पर सच मानती हूँ उस बात को, वो उसी को थोड़ा सच मानती हूँ कि ऐसा दिखाया जा रहा है तो ये हो सकता है, पर इस टाइप का नहीं। पर पता नहीं क्या कहानी है कैसी है, ये तो अभी कुछ भी सस्पेंस रखा है मैं करने, तो देखते हैं आगे क्या होगा। पर मुझे लगता है कि हाँ अनुपमा ने कहा कि दूसरी वजह माया है, तो मुझे ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि अनुज ने कसम दी थी अनुपमा को कि माया ये तुम किसी से नहीं कहोगी, ये राज हम दोनों के बीच में रहेगा, तो अनुपमा कैसे बताएगी पता नहीं मुझे। या फिर जो उस दिन हुआ था पैनिक अटैक आने के पहले बरखा और का को सबको पता चल गया, तो अनुपमा शायद उस बीच हो गया होगा इनका दोनों का बोलना जो पुराने दिखाते तो एक वजह सकती कि वो बताएगी कारण, तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। पर मालती देवी किस टाइप से लेती, पर मुझे लगता है कि अनुपमा अपनी बात मनमानों वाले में से है। अनुपमा अपने अपने जैसा ही सबको बनाने वालों में जैसे गुरु माँ को मना लेगी ऐसा लग रहा है। शायद बहुत बड़ा हाथ ये नहीं होगा उनकी सच्चाई आएगी सामने, पर वो बहुत अच्छे से फिर वो अलग चलेगा ट्रैक पता नहीं, पर वो अनुपमा को माफ़ कर देगी ऐसा मुझे लगता है। देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू सो मच, और मेरी सारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और बहुत रेखा जी आपकी तबीयत ठीक नहीं थी आपने बताया, तो आप आराम किए, बदलता हुआ मौसम है तो ख्याल रखिए अपना। और अच्छा लगा आपसे भी, आपको इतने दिनों बाद सुना, तो थैंक यू अंजू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वर्षा, और मुझे अच्छा लगा आपने कहा कि आप बहुत सारी जो न्यूज है सुनती है अनुपमा को लेके, मगर विश्वास उसी पे करती है जिसमें डायलॉग होता है, यानी कि जो टीजर हो या फिर प्रोमो हो, ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस इसलिए बनते हैं जानबूझ के ऐसे हेडिंग डाल दिए जाते हैं ताकि आप लोग देखें और आप लोग कन्फ्यूज हो जाएं। तो ऐसा अगर आप ध्यान रख रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए आज कहना चाह रही हूँ अनुपमा, सुबह सुबह मैंने देखा अच्छा लगा, पर बहुत तकलीफ हुई अनुपमा को जो थप्पड़ पड़ा, उसने माँ के बारे में बताया कि माँ ऐसी होती है, माँ वैसी होती है, माँ का ये फ़र्ज़ होता है, माँ का वो फ़र्ज़ होता है, बहुत कुछ मतलब मालती मैम के सामने अपना डिस्क्राइब करी। अनुज भी बोला कि आपका मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और बहुत मान करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी पत्नी को हाथ उठाए। और उसके साथ वनराज भी ये बात किया, लीला बार ने भी कहा, ये चीज दोनों को नहीं बोलना चाहिए था। बा और वनराज का राइट नहीं है, लेकिन तब भी बा बोली तो बा को भी रोक दी कि माँ बा ये मेरा और गुरु का, शिष्य और गुरु का बीच का बात है, आप ना बोले तो अच्छा है।
तो हम लोग चुप हो गए। रोशन ने अपनी बात रखी, गुरुमा से माफ़ी मांगी, वो एक बार तो गले लगाई तो सोचा मन में एक ठंडक सा पहुंचा कि चलो ऐसी प्रोमो में दिखाया गया था थप्पड़ नहीं पड़ेगा, पर जोर से थप्पड़ पड़ा, तकलीफ हुआ। अब देखते हैं आगे का स्टोरी क्या है। और एक चीज़ है कि अनुज के साथ अब अनुपमा खड़ी है, अब उसे अकेला अकेला होने नहीं देगी वो, इतना तो दिख के समझ में आ रहा है। क्योंकि जो औरत अपने बच्चों के लिए वो वापस आ जाती है, इतना संभालती है, बस यही चाहते हैं कि अनुज अनुपमा को अलग ना करे। माया बहुत कोशिश कर ली, वर्खा कर ली, डिम्पल कर ली, सब कर ली है कि अनुज अनुपमा अलग रहे, लेकिन अब ना रहे। और ये बार बार जो ब्लेम साइड किया जा रहा है अनुज के साथ, तो आपने ठीक ही कहा होगा कि उसकी बेटी के कारण ही हुआ होगा। क्योंकि यूएस में जो लड़का इतना टैशिंग है, इतना समझदार है, घर वाला इतना अच्छा इंसान है, और उसे सिर्फ एक लड़की पसंद है, सिर्फ अनुपमा, जो उसकी कॉलेज फ्रेंड है और जो उसे पसंद करता है उसी से शादी करना चाहता था, और कोई भी लड़की को वो अपने पास भी नहीं आने देना चाहता था। इस वजह से मेरा एक इनिशिएटिंग यही है कि वो उसी लड़की के कारण, अपनी उस बेटी के कारण वो बदला लेने आई है, और कोई रीज़न नहीं है। और मुझे कोई भी एंगल से नहीं लगता कि वो खुद अनुज की माँ है। अगर उन्हें पता भी ना हो, ना भी हो, तो वो अनुज के साथ अगर गलत नहीं करती, और वो बार बार ये नहीं बोलती कि तुमने ये ममता का वास्ता देकर तुम्हें यहाँ बुलाया है अनुज। अच्छा हुआ कि अनुपमा ने इस बार अपने पति का साइड लिया कि नहीं, ये मेरे पति ने कुछ नहीं कहा है, मेरी ममता इस यहाँ खींच कर मुझे ले आई। और माया के बारे में बताएगी कल। मुझे डर है कि माया का एक्सीडेंट वाला किच्चा छिट्टा ना खोल दे कि पुलिस केस हो जाए या वो हो जाए, बहुत डर सा लग रहा है मेरे को। अब देखते हैं आगे का स्टोरी क्या होने वाला है। ज़्यादा सोचने से पता नहीं, कुछ उसका उल्टा ही होता है, इसलिए नहीं सोचना है। आज इमोशनली था, अच्छा भी लगा, नहीं भी अच्छा लगा कि परिवार वाले साथ जब खड़े होते हैं तो बहुत अंदर से सुकून मिलता है। बस इतना ही था। थैंक यू मैम और गुड आफ्टरनून, मैंने पहले नहीं कहा। और आज शायद मैम आपको मेरा आवाज़ थोड़ा भारी सर लग रहा होगा, मतलब थोड़ा थकान थकान सा लग रहा होगा। मैं नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन नहीं, फिर मन किया कि नहीं, हमेशा भेजती हूँ और हमेशा बिना भेजे नहीं रह पाती, तो आज कैसे छोड़ दूँ। इसी वजह से प्लीज़ मेरा भी रखिएगा, आज थोड़ा देरी हो गया। और सब भादी सुमति मावस का सबको शुभकामनाएँ, और आप लोग खुश रहे, सलामत रहे। अंजु दीदी एंड बरखा दीदी, सबनम दीदी और दीदी, ख्याति दीदी, कुमुद त्रिपाठी दीदी, सबको सुमति मावस का शुभकामनाएँ। थैंक यू, बस यही बोलना था मैम। देखते हैं अनुपमा का आगे का स्टोरी क्या होता है। मुझे लगता है कि अब बहुत एक्साइटमेंट होगा और एक्साइटेड होगा, इसीलिए इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करनी। और मुझे कोई गुस्सा नहीं है। कल आपने जो कहा कि महिमा तुमने बहुत गुस्सा हो रखी हो, तुम ये हो रखी हो, मैं गुस्सा नहीं हो रखी थी। हाँ, कभी कभी फील आउट हो जाता है, तकलीफ होती है। थैंक यू मैम, बाय। थैंक यू महिमा आपके ऑडियो के लिए। और थकी हुई है, आप आपने सही कहा, आपकी आवाज से लग रहा है, तो वही मैं हमेशा जो कहती हूँ वही कहूंगी, थके हो तो रेस्ट कर लो। कोई ऐसा सिलेबस में नहीं है कि आपको भेजना ही भेजना है, अगले दिन भेज दीजिए। रेस्ट करना बड़ा ही जरूरी है, ये जरूर मैं आपसे कहूंगी। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। तो दोस्तों, ये थे आज के ऑडियोज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपका मन है भेजने का तो जरूर नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए और बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।